गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में जो डिफ्रेक्शन ड्यू टू एन स्लिट कर रहे थे, उसके अंतर्गत हम लोगों ने पर्दे के किसी बिंदु पी पर इंटेंसिटी पैटर्न फाइंड किया था। वो हमारा क्या आया था, आई पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। ये इस प्रकार का हमारा एक पैटर्न आया था जिसको हमने आसानी से प्राप्त कर लिया था। किस प्रकार से किया था वो आपको पूरा पता है, जहाँ पर अल्फा आपका था पाई अपॉन लैम्बडा डी साइन थीटा और बीटा आपका था पाई अपॉन लैम्बडा ई प्लस डी साइन थीटा। ठीक है, ये सब आपको पता था। अब आज इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जो इंटेंसिटी पैटर्न यानी जो एक्सप्रेशन मिला है, इससे आपको किस प्रकार का पैटर्न मिलेगा, कहाँ कहाँ पर आपको मैक्सिमाज मिलेंगे, कहाँ कहाँ पर मिनिमाज मिलेंगे, उनको हम फाइंड करेंगे। और मैक्सिमाज और मिनिमाज भी क्या होंगे, दो अलग अलग पदों के कारण प्राप्त होंगे। इस विवर्तन पद के कारण अलग कंडीशन होगी और इस व्यतिकरण पद के कारण अलग कंडीशन होगी। तो विवर्तन पद के कारण मैक्सिमा मिनिमाज और व्यतिकरण पद के कारण मैक्सिमाज मिनिमाज को हम ज्ञात करेंगे। तो विवर्तन पद के कारण तो आपको पता है, जो आपने सिंगल स्लिट किया था सेम वही कंडीशन आएगी कि अल्फा इज इक्वल टू जीरो पर आपको प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा और जो अदर मैक्सिमाज होंगे, ठीक है ना, मैं थोड़ा एक बार लिख देता हूं, वैसे आपको पता है विवर्तन पद। तो इसके कारण देखो, एक आपको मिला था केंद्रीय उच्चिष्ट या प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल मैक्सिमा, वो मिला था अल्फा इज इक्वल टू जीरो पर। क्यों, क्योंकि डेल्टा जीरो था तो थीटा जीरो तो अल्फा जीरो, इस प्रकार से। और जो अन्य उच्चिष्ट थे वो आपको मिले थे, आपने ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन सॉल्व की थी, कौन सी, टेन अल्फा जीरो इज इक्वल टू अल्फा जीरो। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके अल्फा जीरो का मान आया था लगभग इक्वल टू एन प्लस हाफ पाई। तो अल्फा जीरो के इन मान पर यानी अल्फा के इन मान पर आपको क्या मिल रहे थे, अदर मैक्सिमाज मिल रहे थे। और जो निम्निष्ट थे, निम्निष्ट आपको मिल रहे थे अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, जहां एन क्या था, वन टू थ्री, यहां से स्टार और था। और साथ में आपने लिखा था चूंकि एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि एन इज इक्वल टू जीरो किसके लिए रिजर्व कर दिया हमने, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए रिजर्व हो गया था। ठीक है, और उस प्रकार से फिर आपने यहां से क्या कंडीशन निकाली थी, डी साइन थीटा इज इक्वल टू आपका एन लैम्बडा, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा क्या था पाई अपॉन लैम्बडा, तो ये उधर चला जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारे पद थे विवर्तन के कारण जो हमको पता है। और विवर्तन के कारण ग्राफ भी आपको पता है, ग्राफ कैसा मिला था आपको, ऐसा मिला था इस प्रकार से, ये सेंट्रल, फिर ये घटती हुई तीव्रता के, फिर ये और घटती हुई तीव्रता के, इस प्रकार से, उस प्रकार से इधर भी ऐसा और ये ऐसा। अब ये ग्राफ किसके कारण है, केवल इस पद के योगदान के कारण है। अब इस पद के योगदान के कारण भी एक अलग ग्राफ होगा, वो ये ग्राफ और वो ग्राफ दोनों मिलेंगे तब आपको एक रिजल्टेंट मिलेगा, जिसका जिसको आपने डबल स्लिट में भी देखा था किस प्रकार से वो मिला था। और हमने उस ग्राफ को बिल्कुल अच्छे से समझ के किया था, उसमें एक भी चीज को रटा नहीं था, एक एक चीज आपको स्पष्ट हो रही थी वो ग्राफ ऐसा ही क्यों मिल रहा है। ठीक है ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको एक इस प्रकार का एक ग्राफ मिलेगा, उस ग्राफ को भी हम बहुत ध्यान से समझेंगे। आप इस लेक्चर को बहुत इत्मीनान से सुनना, मैं एक एक चीज को यहाँ पर लिखूंगा और बहुत ध्यान से आपको समझूंगा, क्योंकि रटने जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम चीजों को समझ के ही कर रहे हैं वैसे भी, तो रटने की कोई आवश्यकता ही नहीं आपके। तो विवर्तन पद हो गया, अब हम तो हमारे व्यतिकरण पद पर आते हैं, उसके अनुसार हम कैसे क्या फाइंड करेंगे वो देखते हैं। चलो तो फिर आगे आप नोट कीजिए, व्यतिकरण पद, व्यतिकरण पद या इंटरफेरेंस टर्म। तो अब उसमें क्या होगा, उच्चिष्ट, यहां पर भी आप एक शब्द काम में लोगे, केंद्रीय उच्चिष्ट, जो n इक्वल टू जीरो पर आपको मिला था वही केंद्रीय उच्चिष्ट भी कहते हो कई बार इसको, और कई बार इसको आप प्रधान उच्चिष्ट भी कहते हो। क्या कहते हो, प्रधान उच्चिष्ट, प्रिंसिपल मैक्सिमा, इसके दो नाम है, केंद्रीय उच्चिष्ट भी कह सकते हो या प्रधान उच्चिष्ट, इंग्लिश में इसको कह सकते हो सेंट्रल या प्रिंसिपल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये आपको कहां मिलेगा, चूंकि इसमें बीटा पर डिपेंड कर रहा है तो बीटा का जो एन पाई का मान होगा उस पर मिलेगा। अब आप ऐसा सोचोगे एन पाई पर तो ये साइन बीटा जो है वो जीरो आ जाना चाहिए, भाई एन पाई जो ही रखोगे तो ये पद जीरो आ जाएगा, तो वन अपॉन जीरो कुछ हो जाएगा, और ये एन भी क्या एक दो तीन चार है, तो ये जीरो बटा जीरो हो रहा है। लेकिन आपको पता है जब कभी भी आप लिमिट, हमने वहां भी देखा था जब विवर्तन पद देखा था तो अल्फा इज इक्वल टू जीरो पर तो वो पद जीरो हो रहा था, जबकि इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम अधिकतम आनी चाहिए, तो वहां पर हमने लिमिट की प्रॉपर्टी यूज की थी। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, लिमिट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आप देखिए कैसे, मैं ऐसे लिखूंगा लिमिट
बीटा टेंड्स टू एन पाई साइन स्क्वायर एन बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। तो ये 0/0 का रूप बनता है, इसको आप इसके लिमिट कैसे अप्लाई करते हो, ऊपर नीचे डिफरेंशियल कर देते हो। तो ये लीजिए डिफरेंशियल, जैसे ही आप करोगे तो क्या हो जाएगा इसका, और स्क्वायर ग्रुप में लेना चाहो तो स्क्वायर ग्रुप में लो वरना स्क्वायर हटा लो आप एकदम, ठीक है ना। एक बार हम इसको ही देख लेते केवल, ठीक है ना। आप ऐसा होल स्क्वायर कर सकते हो, होल स्क्वायर को छोड़िए, क्योंकि होल स्क्वायर अगर सिंपल पद मैक्सिमम तो होल स्क्वायर मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका सिंपली अगर आप देखना चाहो तो क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको एन कॉस एन बीटा अपॉन कॉस बीटा और ये लिमिट बीटा टेंड्स टू एन पाई, ठीक है। तो इसका मान आ गया वन, क्योंकि आप एन पाई कुछ भी रखिए, कॉस पाई का जो गुणज होता है पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई वो हमेशा क्या होता है, वन होता है, वन अपॉन वन, ये आ गया सिंपली आपके एन। प्लस माइनस एन कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप क्या कह सकते हो, प्लस माइनस एन भी कह सकते हो, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि कॉस पाई माइनस वन कॉस टू पाई वन कॉस थ्री पाई माइनस वन कॉस फोर पाई वन, तो इस प्रकार से प्लस माइनस एन आ जाएगा। तो ये आपके क्या है मैक्सिमम मान है, बीटा इजिकल टू एन पाई पर मिला है। तो इस स्थिति में आपके आई पी क्या हो जाएगी, आई पी हो जाएगी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। तो ये आपकी क्या है इंटेंसिटी फॉर प्रिंसिपल मैक्सिमास ड्यू टू इंटरफेरेंस। इस पद को आप क्या लिखोगे, इंटेंसिटी ड्यू टू प्रिंसिपल मैक्सिमास ऑफ इंटरफेरेंस टर्म, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो आपके लिए व्यतिकरण उच्चिष्ट जो आपको मिल रहे हैं प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल मैक्सिमास वो कहां कहां पर मिल रहे हैं, और यहां एन का मान क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है ना। तो इससे कंडीशन क्या आ जाएगी, बीटा आपके है पाई अपॉन लैम्ब्डा ई प्लस डी साइन थीटा इजिकल टू एन पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो यहां से आपकी कंडीशन आ गई ई प्लस डी साइन थीटा इजिकल टू एन लैम्ब्डा। याद रखिए आप इस कंडीशन को लिख लीजिएगा, ई प्लस डी साइन थीटा इजिकल टू एन लैम्ब्डा, कॉपी के साइड में लिखते रहिए आप। ये कंडीशन किसके लिए है, व्यतिकरण उच्चिष्ट के लिए है, और यहां पर एक शब्द काम में ले रहा हूं प्रिंसिपल मैक्सिमास, ठीक है ना। ये सारे यानी अब प्रिंसिपल मैक्सिमा केवल सेंटर वाले नहीं है, चूंकि एन आ रहा है तो एन का मान जीरो रखोगे तब भी वो प्रिंसिपल मैक्सिमा होगा, उसको हम कह देंगे फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा या सेंट्रल प्रिंसिपल मैक्सिमा। एन इजिकल टू वन रखोगे तब भी आपको क्या मिल रहा है मैक्सिमम मिल रहा है, उसको आप कह दोगे फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा। एन इजिकल टू टू रखोगे तो उसको आप कह दोगे सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमा। ये थोड़ा मिक्स हो रहा है, लेकिन अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको ध्यान से सुनिए, अभी आपको सब चीजें पता चल जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आप ध्यान रखिए बीटा इजिकल टू एन पाई पर आपको व्यतिकरण पद के कारण प्रिंसिपल मैक्सिमास मिल रहा है, इनका एक नया नाम हमने दे दिया इस स्थिति में, यानी बीटा इजिकल टू पाई बीटा इजिकल टू टू बीटा इजिकल टू जीरो बीटा इजिकल टू पाई बीटा इजिकल टू टू पाई बीटा इजिकल टू थ्री पाई, ये जो सारे पद है यहां पर आपको प्रिंसिपल मैक्सिमास मिल रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम क्या आते हैं व्यतिकरण निम्निष्ठ की शर्त लाते हैं, ठीक है ना, निम्निष्ठ, ठीक है ना, मिनिमास की, तो उसको हम देखते हैं, चलो सब पता चल जाएगा आपको, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। एक बार मैं यहां पर जो उच्च प्रिंसिपल मैक्सिमा की शर्त, उसको एक बार वापस लिख देता हूं, क्योंकि ये बार बार काम आएगी प्रिंसिपल मैक्सिमा। ये आपको कहां मिल रहा है, बीटा इजिकल टू एन पाई पर, एन जीरो वन टू थ्री, यह इसको आप कंडीशन क्या आई थी आपके ई प्लस डी साइन थीटा इजिकल टू एन लैम्ब्डा, ठीक है, यह कंडीशन आई थी। अब अगला हम देखते हैं व्यतिकरण निम्निष्ठ। तो निम्निष्ठ के लिए सीधा फायदा निम्निष्ठ कब होगा, इसके लिए क्या होना चाहिए, साइन एन बीटा इजिकल टू जीरो, बट साइन बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि साइन बीटा अगर जीरो हो जाएगा तो फिर वन अपॉन जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा या 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। तो ये कंडीशन भी होनी चाहिए और साथ साथ ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, दोनों होनी चाहिए, यानी साइन एंड बीटा तो जीरो होना चाहिए, क्योंकि मिनिमा के लिए क्या होना चाहिए, पद जीरो होना चाहिए इंटेंसिटी आदर्श रूप में देखा जाए तो, लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो इससे आप कंडीशन कैसे निकालोगे, अभी हम देख लेते हैं। तो आपको पता है साइन का जो पाई का गुणज होता है, चाहे पाई हो चाहे टू पाई हो चाहे थ्री पाई हो, उन सभी के मान क्या होते हैं, जीरो होते हैं। आपको पता होगा साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन पाई भी जीरो होता है, साइन टू पाई भी जीरो होता है, ठीक है ना, तो वो वाली बात है। तो यहां से कंडीशन क्या आ जाएगी कि एन बीटा इजिकल टू प्लस माइनस कोई पी काम में ले रहा हूं पी पाई, जहां पी क्या हो जाएगा आपका 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से, समझ किस चीज को आप।
तो यहाँ से बीटा क्या आ गया, बीटा आ गया आपका प्लस माइनस पी पाई अपॉन एन, समझ गए चीज को आप। तो ये कंडीशन किसके लिए आ गई आपके, बीटा इजिकल टू प्लस माइनस पी पाई अपॉन एन आ गई, ये व्यतीकरण निम्निष्ट के लिए। अब यहां पर एक बहुत ट्विस्टिंग चीज है जिसको आपको ढंग से समझना है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये कंडीशन देखिए आपको क्या मिली, बीटा इजिकल टू प्लस माइनस पी पाई अपॉन एन। अब यहां पर आप बहुत ध्यान से देखिए एक एक चीज को हम समझते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिए आप। तो मैं देखो बीटा की मान लिख रहा हूं एक बार, प्लस माइनस को तो एक बार छोड़ दे, पी पी के मान क्या हो सकते हैं, जीरो एक दो तीन चार पाँच छः सात आगे कितने ही हो सकते हैं। तो मैं एक एक मान लिख के देखता हूँ, सपोज करो पी को आप जीरो रखते हो तब ये मान क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। पी को आप वन रखते हो तब क्या मिल जाएगा, पाई अपॉन एन मिल जाएगा। पी को आप टू रखते हो तो पाई अपॉन टू पाई अपॉन एन। पी को आप थ्री रखते हो तो थ्री पाई अपॉन एन। उसी प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा, थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, इसी प्रकार से चलता रहेगा। उसी प्रकार से कोई मान लो मान आ गया एन माइनस वन, पी का मान एन माइनस वन भी हो सकता है ना, ये मान आगे बढ़ेगा तो एन माइनस वन पाई अपॉन एन हो सकता है। फिर उसका अगला पद क्या होगा, एन हो जाएगा एन पाई अपॉन एन। फिर अगला पद क्या होगा, एन प्लस वन पाई अपॉन एन। अगला पद क्या होगा, एन प्लस टू, क्योंकि एक एक जोड़ना है पाई अपॉन एन। उसी प्रकार से ये जुड़ते 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 कोई एक पद ऐसा आएगा कि टू एन माइनस वन हो जाएगा, ये सब जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आएगा एन, ये पद ऐसा आ सकता है आगे बढ़ते बढ़ते, ये सब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते बढ़ते एक पद ऐसा आएगा 2n पाई अपॉन n, ठीक है ना। उसी प्रकार से 2n प्लस 1 पाई अपॉन n, ये इस प्रकार से पद चलते रहेंगे आगे, ठीक है। एक 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 जोड़ना है, n कुछ भी हो सकता है, n 10 15 20 कुछ भी हो सकता है। तो अब देखिए ये सारे किसके मान आए, बीटा के मान आए। कब आए, जब हमने व्यतीकरण निम्निष्ट की बात की है। बहुत ध्यान से सुनना, ये सारे बीटा के वो मान है जहां पर आपको व्यतीकरण निम्निष्ट मिलता है। अब यहां पर क्या चीज है, अब आप देखिए ये जो पहला मान है बीटा इजिकल टू जीरो, ठीक है ना, यहां पर आपको क्या मिल रहा है, व्यतीकरण निम्निष्ट, क्योंकि हमने इस कंडीशन से निकाला। लेकिन साथ का साथ याद रखिए केवल ये कंडीशन काम में नहीं लेनी है, हमें इस कंडीशन को भी साथ में लेते हुए चलना है। यानी ये तो होनी चाहिए लेकिन साथ में ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। तो मुझे बताइए बीटा इजिकल टू जीरो पर क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि जैसे ही बीटा जीरो रखोगे तो आपके साइन बीटा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जबकि आपको व्यतीकरण निम्निष्ट के लिए साइन बीटा नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए। तो इसका मतलब है ये मान नहीं हो सकता, ठीक है ना। अभी तो हमने लिखा है लेकिन ये मान संभव नहीं है, यानी पी का मान जो जीरो है वो संभव नहीं है। पहले तो मैंने रेंडमली लिख दिया, अभी मैं आपको शुरुआत में बताता जीरो नहीं है तो आप समझते कैसे नहीं है, अब मैंने आपको बताया इसलिए नहीं है। तो ये नहीं हो सकता, इस मान में कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी दिक्कत नहीं, इसमें भी दिक्कत नहीं। अब यहां पर आइए, ये एन से एन कट जाएगा तो यहां पर आपके क्या बच रहा है, पाई बच रहा है, पाई बच रहा है। तो साइन पाई क्या होता है, जीरो, लेकिन जीरो हमें नहीं चाहिए तो ये वाला मान भी संभव नहीं है। उसी प्रकार से आगे चलते, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे इस टू एन पर आओगे तो यहां पर क्या मिल रहा है आपको, एन से एन कट जाएगा टू पाई, साइन टू पाई भी जीरो होता है तो साइन टू पाई यानी साइन बीटा, बीटा इक्वल टू पाई तो साइन टू पाई जीरो, वो भी संभव नहीं है। तो ये मान भी संभव नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, P के जो मान है, अब आपके यहां से क्या कंडीशन निकल गई, P के संभव मान कौन से है, वन टू थ्री एन माइनस वन, फिर n नहीं होगा, फिर n प्लस वन एन प्लस टू, उसी प्रकार से 2n नहीं होगा, 2n माइनस वन हो जाएगा और 2n प्लस वन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन n 2n 3n 4n 5n जिस पर पाई का गुणज बन रहा हो वो मान संभव नहीं है। तो एक चीज आपने ये सीख ली, यहां से पता चल गया। अब एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, वहां से पता चल जाएगा। तो यहां से तो आपने क्या देख लिया कि बीटा के ये मान संभव नहीं है। इसका एक कारण तो क्या हो गया कि साइन बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो है। अब एक दूसरा कारण है, उसको भी आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसको यहां से यहां बता देता हूं आपको, बीटा का मान क्या होता है आपका, बीटा का मान है आपके पाई अपॉन लेमड़ा ई प्लस डी साइन थीटा इजिकल टू पी पाई अपॉन एन, पाई से पाई चला गया तो ई प्लस डी साइन थीटा इजिकल टू पी अपॉन एन लेमड़ा। तो यहाँ से पी का मान रख के देखिए आप, तो ये क्या है, ये है कंडीशन, इसको आप नोट कर लीजिए, क्या है, व्यतीकरण निम्निष्ट के लिए कंडीशन, ठीक है ना। इसको लिख दीजिए कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस मिनिमा, ठीक है। तो यहां से देखिए, अब ये जो e प्लस डी साइन थीटा है, इसके क्या क्या मान आ सकते हैं, p का मान जीरो रखोगे
अभी हम जीरो हम कह चुके जीरो नहीं हो सकता, फिर भी एक बार आप रखें यहाँ से भी पता चल जाएगा जीरो क्यों नहीं हो सकता। जैसे आप जीरो रखोगे तो जीरो आ गया, वन रखोगे तो क्या आएगा लेमड़ा अपॉन एन, टू रखोगे तो टू लेमड़ा अपॉन एन, उसी प्रकार से एन माइनस वन लेमड़ा अपॉन एन, फिर एन लेमड़ा अपॉन एन, उसी प्रकार से आगे चलता रहेगा, ठीक है ना। टू एन माइनस वन लेमड़ा अपॉन एन, फिर टू एन लेमड़ा अपॉन एन, इसी प्रकार चलता रहेगा। तो अब देखिए जीरो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ई प्लस डी साइन थीटा ये कंडीशन किसकी है, प्रिंसिपल मैक्सिमम में। देखो आप एन का मान जीरो रखोगे तो ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो यहां पर भी ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो ये जो पी इक्वल टू जीरो है वो एक तरह से या संभव भी नहीं उस कंडीशन के हिसाब से भी, और पी इक्वल टू जीरो है वो प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए रिजर्व भी हो रखा है। यानी ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू जीरो, यहां पर देखिए आप यहां पर एक लाइन नोट कीजिए आप, ई प्लस डी साइन थीटा इक्वल टू जीरो और लैम्ब्डा टू लैम्ब्डा थ्री लैम्ब्डा, ये सारे जो क्या है ये जितने भी मान है ई प्लस डी साइन थीटा के, जीरो लैम्ब्डा टू लैम्ब्डा थ्री लैम्ब्डा फोर लैम्ब्डा, वो सभी प्रिंसिपल मैक्सिमास के लिए रिजर्व है। अर्थात वहां पर आपको मुख्य उच्चिष्ट मुख्य व्यतिकरण उच्चिष्ट प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए वहां पर आपको व्यतिकरण निम्निष्ट नहीं मिल सकते। तो इस वजह से भी क्या है ये मान संभव नहीं है। उसी प्रकार से ये जो मान है आपका, क्योंकि एन कट जाएगा लैम्ब्डा, लैम्ब्डा तो इसके लिए है तो ये भी संभव नहीं है। उसी प्रकार से ये भी क्या है टू लैम्ब्डा, ये भी संभव नहीं है। तो अब आपको पता चल गया कि पी के ये मान संभव नहीं है। अब मुझे आप ये बताइए कि बहुत ध्यान से यहां तक आपको समझ में आ गया ये मान संभव क्यों नहीं है, वो आपको दोनों ही तरीकों से मैंने बता दिया। प्रिंसिपल मैक्सिमा मिल रहे हैं तो उसके लिए रिजर्व हो गया इसलिए संभव नहीं है, और दूसरा जो हमने निम्निष्ट की कंडीशन ली थी कि साइन एन बीटा तो जीरो होना चाहिए लेकिन साइन बीटा जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो उस वजह से भी ये मान संभव नहीं है। ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं, बस थोड़ा सा काम है फिर कंप्लीट हो जाएगा। बस यहां थोड़ा ट्विस्टिंग था जो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब देखिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं मुख्य उच्चिष्ट केंद्रीय मुख्य उच्चिष्ट, ये आपको कहाँ मिल रहा है n इजिकल टू जीरो पर, या उसकी कंडीशन क्या है, उसकी कंडीशन है e प्लस डी साइन थीटा इजिकल टू जीरो या बीटा इजिकल टू जीरो, एक ही बात है क्योंकि बीटा इजिकल टू n पाई था। उसी प्रकार से प्रथम मुख्य उच्चिष्ट ये आपको कहाँ मिल रहा है n इजिकल टू वन e प्लस डी साइन थीटा इजिकल टू आपके लैम्ब्डा या बीटा इजिकल टू पाई। तो केंद्रीय मुख्य उच्चिष्ट मिल रहा है बीटा इजिकल टू जीरो पर और प्रथम मुख्य उच्चिष्ट मिल रहा है बीटा इजिकल टू पाई पर, और आपको पता है एक उच्चिष्ट के बाद हमेशा आपको क्या मिलता है निम्निष्ट, फिर उच्चिष्ट, फिर निम्निष्ट। तो अब आप देखिए अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं, ये मैंने केंद्रीय उच्चिष्ट लिखा है और ये प्रथम मुख्य उच्चिष्ट लिखा है, तो उसके बीच में आपको क्या मिल रहा है, देखो ये कंडीशन है व्यतिकरण निम्निष्ट की, तो जीरो पर तो क्या है ये मिल जाएगा तो होगा नहीं, उसके बाद ये भी निम्निष्ट, ये भी निम्निष्ट, ये भी निम्निष्ट, और यहां पर आपको क्या मिल रहा है वापस लैम्ब्डा, एन एन कट जाएगा लैम्ब्डा, तो लैम्ब्डा पर आपको निम्निष्ट नहीं मिलेगा, लैम्ब्डा पर आपको क्या मिल जाएगा प्रथम मुख्य उच्चिष्ट। तो यहां एक मैं लाइन लिख रहा हूं इस डायग्राम से और इस संख्या से, देखिए मुझे आप ये बताइए ये जो पूरे पद है आपके ये टोटल जीरो हो नहीं सकता और एन हो नहीं सकता, इसके बीच में टोटल कितने पद आप सोचिए, एक दो तीन चार पांच एन माइनस वन, तो इन सभी संख्याओं को मैं लिख सकता हूं ऐसा, देखो ये टोटल कितने पद है एन माइनस वन पद है, क्या है एन माइनस वन पद आपको दिख रहे होंगे, देखो वन टू थ्री इस प्रकार से। तो देखिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं उसको आप ध्यान से समझिए, वही सारा ट्विस्टिंग खेल है। मैं एक लाइन लिख रहा हूं बहुत ध्यान से आप देखिएगा, केंद्रीय मुख्य उच्चिष्ट तथा प्रथम मुख्य उच्चिष्ट के मध्य n माइनस वन व्यतिकरण निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। मेरे हिसाब से ये लाइन आप समझ गए होंगे, देखिए आप क्योंकि केंद्रीय उच्चिष्ट है बीटा इजिकल टू जीरो पर, ये रहा बीटा इजिकल टू जीरो यहीं से तो मिल रहा है, दूसरा उच्चिष्ट है आपका प्रथम मुख्य उच्चिष्ट है बीटा इजिकल टू पाई पर, बीटा इजिकल टू पाई आपको यहां से मिल रहा है, तो उसके बीच में और ये सारी कंडीशन किसकी है व्यतिकरण निम्निष्ट की है। तो आप देखिए एन माइनस वन पद है या नहीं है, और ये पद किसको दर्शा रहे हैं व्यतिकरण निम्निष्ट को। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय मुख्य उच्चिष्ट तथा प्रथम मुख्य उच्चिष्ट के मध्य एन माइनस वन व्यतिकरण निम्निष्ट प्राप्त होते हैं। अब देखिए
उसी आगे भी देख लीजिए आप, ये भी पूरे क्या होंगे 2n, और इसके बीच में भी n-1 पद है, n-1 पद है, सभी में आप चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई। अब इस पैटर्न को हम और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, ये थोड़ा इत्मीनान से सुनना पड़ेगा आपको, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझ में ना आए। तो कहने का क्या मतलब है, अब देखो जैसे एक सिंपल में व्यतिकरण का ग्राफ बना रहा हूं, एकदम सिंपली, अभी मैं रिजल्टेंट ग्राफ नहीं बना रहा हूं। मान लीजिए सपोज कीजिए आपका क्या है, केंद्रीय उच्छिष्ट है, और ये मान लीजिए आपका प्रथम, ये है सेंट्रल प्रिंसिपल मैक्सिमा और ये है फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, तो इन दोनों के बीच में क्या है, एन माइनस वन निम्निष्ट है। अब आपको पता है ये तो हमेशा ही एक क्रम बना रहता है कि एक उच्छिष्ट फिर एक निम्निष्ट फिर एक उच्छिष्ट एक निम्निष्ट, तो कहने का मतलब है कि इन मुख्य उच्छिष्टों के बीच में आपको एन माइनस वन निम्निष्ट मिल रहे हैं, लेकिन इन निम्निष्टों के साथ साथ कुछ गौण उच्छिष्ट भी मिलेंगे, जिसको आप कह सकते हो सेकेंडरी मैक्सिमा, प्रिंसिपल नहीं सेकेंडरी मैक्सिमा, वो इसके कारण आएंगे। तो वो कितने होंगे, वो होंगे एन माइनस टू। कैसे होंगे, अब आप देखिए, ये मान लो सेंट्रल मैक्सिमा है, इसके बाद में इसको ऐसे बना देते, बड़ा बना लेते थोड़ा, ये ग्राफ सिर्फ समझने के लिए, ठीक है ना, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो अब देखो ये निम्निष्ट हो गया, कौन सा, ये वाला, फिर एक उच्छिष्ट भी मिलेगा जो प्रिंसिपल नहीं है लेकिन उच्छिष्ट है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच आपको n माइनस वन निम्निष्ट है, तो n माइनस वन निम्निष्ट, n माइनस वन का मान सपोज कीजिए, n मान ली सपोज कीजिए 50 है, तो 49 मिलेंगे, तो 49 अगर निम्निष्ट है तो उससे एक कम आपको उच्छिष्ट मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, ये एक उच्छिष्ट हो गया, ये दूसरा निम्निष्ट, ये दूसरा उच्छिष्ट, ये तीसरा निम्निष्ट, क्योंकि उच्छिष्ट से पहले निम्निष्ट आ गया, तो निम्निष्ट हमेशा क्या होगा, एक ज्यादा होगा, और उच्छिष्ट क्या होगा, एक कम होगा, कौन सा, जो गौण उच्छिष्ट है या जो सेकेंडरी मैक्सिमा है। तो एक लाइन आप यहां भी लिख सकते हो, इससे यह भी स्पष्ट है कि केंद्रीय उच्छिष्ट, केंद्रीय प्रधान उच्छिष्ट, ठीक है ना, केंद्रीय मुख्य उच्छिष्ट, केंद्रीय मुख्य उच्छिष्ट तथा प्रथम मुख्य उच्छिष्ट के मध्य n माइनस टू, याद रखिए n माइनस टू लिख रहा हूं मैं, या n माइनस वन है, n माइनस टू अन्य व्यतिकरण उच्छिष्ट, प्रिंसिपल नहीं, अन्य व्यतिकरण उच्छिष्ट भी प्राप्त होंगे। बस यही सारा खेल है सारा, बस ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको समझ में आनी चाहिए, लोग इसको रट लेते हैं, आपको रटना नहीं है, मैंने की कंडीशन बता दी कैसे है। आप देखिए ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, फिर ये सेकंड, फिर ये सेकेंडरी, ये मिनिमा वापिस, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, इस प्रकार से चलता रहेगा, ठीक है ना। तो आप खुद देख लीजिए, पहले मिनिमा आ रहा है, बाद में मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है ना, तो निश्चित रूप से क्या होगी, संख्या में मैक्सिमा जो होंगे वो एक कम होंगे, ये n-1 है तो ये n-2 हो जाएगा। तो ये पूरा था आपका, ठीक है ना, ये सेंट्रल प्रिंसिपल मैक्सिमा, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, इसी प्रकार से सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमा, थर्ड प्रिंसिपल मैक्सिमा, उन सब के बीच, हर प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच क्या होगा, एन माइनस वन तो आपके निम्निष्ट होंगे और एन माइनस टू उच्छिष्ट होंगे। और ये सारे व्यतिकरण का ही है, अभी विवर्तन का हमने कोई नाम नहीं लिया, क्योंकि हमने ये सारा डिस्क्रिप्शन किसके लिए किया है, व्यतिकरण के लिए किया है। अब हम क्या करेंगे कि व्यतिकरण और विवर्तन को मिक्स करेंगे और देखेंगे हमें कैसा ग्राफ मिलता है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं क्या करता हूं, एक अच्छा सा ग्राफ बना देता हूं केवल व्यतिकरण के लिए, ठीक है ना, उसको आप थोड़ा देखिए, एकदम क्लियर कट, बहुत अच्छा सा ग्राफ बना देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं हो, ठीक नहीं, ये ग्राफ सिंबॉलिक है, याद रखिए सिर्फ समझने के लिए। ये आपका क्या है, इसको मैं लिख रहा हूं सेंट्रल प्रिंसिपल मैक्सिमा, शॉर्ट में आप समझ जाइए केंद्रीय मुख्य उच्छिष्ट, फिर आपको क्या मिलेंगे, इस प्रकार से मिलेंगे, ठीक है ना, फिर वापस आपको क्या मिल जाएगा, ये है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो इनके बीच में आपको देखो, ये जितने भी निम्निष्ट हैं आप, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, तो यहां पर आप एक लाइन लिख सकते हो n माइनस वन निम्निष्ट तथा n माइनस टू अन्य उच्छिष्ट। ये सिर्फ सिंबॉलिक है समझने के लिए, उसी प्रकार से वापस चलेगा, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा है, इसी प्रकार से ये चलेगा,
फिर ये वापस आपको मिल जाएगा इस प्रकार से। ये क्या होगा, सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमा, और इनके बीच में भी सेम आपको वही मिलेंगे एन माइनस वन निम्निष्ट व्यतिकरण के कारण और एन माइनस टू अन्युचिष्ट। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा अब ये, ठीक है ना। ये सब किसके कारण से मिल रहे हैं आपको, व्यतिकरण के कारण मिल रहे हैं, और विवर्तन के कारण इसको मैं थोड़ा एक बार इधर बना देता हूं, ठीक है ना, ये तो पूरा इधर भी चलेगा, और विवर्तन के कारण आपको क्या पता था, ये इस प्रकार से था। चलो विवर्तन वाला स्पेस का दिक्कत रहती है, इसको साफ कर देता हूं एक बार, ये आपको सब समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो है व्यतिकरण के कारण, और विवर्तन के कारण क्या था ये आपको पता है, विवर्तन का ग्राफ ऐसा था आपका, ये क्या है विवर्तन, विवर्तन के कारण व्यतिकरण विवर्तन। अब इन दोनों को मिक्स करोगे तो कैसा ग्राफ मिलेगा, अब देखिए आपको मैंने डबल स्लिट बताया था, तब मैंने क्या बताया था कि पहले विवर्तन निम्निष्ट से पूर्व, याद कीजिए ये क्या है, पहला विवर्तन निम्निष्ट, इससे पूर्व आपको कई सारे व्यतिकरण उच्चिष्ट मिल रहे थे। क्यों मिल रहे थे, क्योंकि हमने कंडीशन फाइंड की थी थीटा एन इज इक्वल टू वन इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू थीटा एम इज इक्वल टू वन, याद कीजिए आपको मैंने ये कंडीशन बताई थी, क्यों, क्योंकि इसके लिए तो मान आ रहा था आपका साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन डी, और इसके लिए आ रहा था साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपॉन ई प्लस डी। तब हमने क्या कहा था, इससे पूर्व तब हमारा ऐसा ग्राफ आया था, याद कीजिए ऐसा इस प्रकार ग्राफ आया था, और यहां पर कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर को हमने उस तरह समझ लिया था। तो अब ठीक इसी प्रकार की स्थिति होगी इन दोनों में, वो कैसी होगी उसको आप ध्यान से सुनिए। अब देखिए आप विवर्तन निम्निष्ट मैं यहां लिख रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, विवर्तन निम्निष्ट, इसके लिए कंडीशन क्या थी आपकी, इसके लिए कंडीशन थी डी साइन थीटा इजिकल टू एन लैम्डा एन पाई, आप कुछ भी लिख दीजिए, वो ये थी एल्फा इजिकल टू एम पाई थी, ठीक है ना, एम पाई, क्योंकि एन मैंने पहले काम में लिया था, उसको आप एम लिख दीजिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, जहां एम आपका क्या है वन टू थ्री है, क्योंकि एम इजिकल टू जीरो क्या हो गया, सेंट्रल, इस सेंट्रल, इस सेंट्रल पोजिशन के लिए रिजर्व है। तो यहां से एल्फा का मान आपने लिखा था, क्या लिखा था, पाई अपॉन लैम्डा डी साइन थीटा इजिकल टू एम पाई, ये कट गया, तो यहां से कंडीशन आई थी डी साइन थीटा इजिकल टू एम लैम्डा, ठीक है। तो एम का मान वन रखोगे तो प्रथम निम्निष्ट, टू रखोगे तो द्वितीय निम्निष्ट। अब यहां पर देखिए आप, मैं लिख रहा हूं प्रिंसिपल मैक्सिमास ड्यू टू इंटरफेरेंस, ठीक है ना, इंटरफेरेंस व्यतिकरण के कारण मुख्य उच्चिष्टों के लिए, वो क्या कंडीशन थी, बीटा इजिकल टू एन पाई थी। तो बीटा इजिकल टू एन पाई के लिए आपकी क्या कंडीशन आ गई, अब देखिए आप, ई प्लस डी साइन थीटा इजिकल टू आपके हो जाएगा, ये पाई अपॉन लैम्बडा था, ये एन पाई, ये कट गया, तो ये लैम्बडा इधर चला जाएगा, तो ये मैं इसको सिंपल लिख देता हूं एन लैम्बडा। ये कंडीशन किसके लिए है, प्रिंसिपल मैक्सिमास के लिए। अब सेम वही है, अब मैं बात कर रहा हूं पहला सेंट्रल प्रिंसिपल मैक्सिमास, तो एन इजिकल टू जीरो पर मिल जाएगा। यहां पर देखिए आप, सेंट्रल प्रिंसिपल मैक्सिमास तो एन इजिकल टू जीरो पर मिल गया, जो पहला प्रिंसिपल मैक्सिमा है ये वाला फर्स्ट, बहुत ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा वो आपको कहां मिलेगा, वो मिलेगा एन इजिकल टू वन पर, और उसका मान क्या होगा, ई प्लस डी साइन थीटा इजिकल टू लैम्बडा। तो यहां से साइन थीटा क्या आ गया, लैम्बडा अपॉन ई प्लस डी। उसी प्रकार से फर्स्ट विवर्तन निम्निष्ट, यहां पर मैं लिख रहा हूं कहां लिखूं इसको, चलो यहां लिख देता हूं, फर्स्ट
विवर्तन निम्निष्ठ, ये आपको कहां मिलेगा, ये मिलेगा m इज इक्वल टू 1 पर। उसका मान क्या होगा, उसका मान होगा d साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा। तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्बडा अपॉन d। अब वापस देखिए इन दो कंडीशन से, साइन थीटा इसको मैं कह देता हूं n इज इक्वल टू 1, इसको मैं कह देता हूं m इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों में से, इन दोनों कंडीशन को जब मैं साथ मिलाता हूं तो मुझे एक रिलेशन मिलता है, वो मिलता है आपका, यहां नोट कर देता हूं मैं, वो मिलता है थीटा n इज इक्वल टू 1 इज ग्रेटर देन थीटा m इज इक्वल टू 1। अर्थात पहले विवर्तन निम्निष्ठ से पूर्व आपको कई सारे प्रिंसिपल मैक्सिमाज मिलेंगे। याद रखिए, पहले विवर्तन निम्निष्ठ से पूर्व हमें कई सारे प्रिंसिपल मैक्सिमाज मिलेंगे, यानी एक दो, ये इतना पूरा जो बड़ा ग्राफ है वो सारा का सारा किसके बीच में आ जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से। तो ये पूरा जो ग्राफ है वो इस पहले निम्निष्ठ के बीच में होगा। वहां पर तो क्या था, डबल स्लिट में तो क्या था, केवल ये इतना ही था, डबल स्लिट में केवल ये इस प्रकार से ही था, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि वहां पर एक ही मैक्सिमा आ रहा था, व्यतिकरण कारण एक ही मैक्सिमा आ रहे थे, एक ही प्रकार के मिनिमा आ रहे थे, लेकिन यहां पर व्यतिकरण कारण दो अलग अलग प्रकार के मैक्सिमाज आ रहे हैं। एक आ रहे हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा जो कंडीशन है बीटा इज इक्वल टू एन पाई से, और दूसरे आ रहे हैं चूंकि एन माइनस वन निम्निष्ठ है तो उस कारण से एन माइनस टू उच्चिष्ट भी होंगे। तो ये है, तो ये पूरा जो ग्राफ है 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा, वो सारे के सारे क्या होंगे, फर्स्ट विवर्तन निम्निष्ठ से पहले आएंगे। तो मेरे हिसाब से अब आप समझ गए होंगे। अब मैं इस ग्राफ को पूरा बनाता हूं और फिर नीचे एक दो लाइन लिखूंगा, उससे ही आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। तो इस ग्राफ को मैं एक और अच्छे से बना देता हूं, बस फिर पूरा हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए मैंने ये ग्राफ बनाया है, अब आपको समझ में आ जाएगा ये कैसा है। मैं इसमें एक एक चीज लिख दूंगा अभी, ठीक है। पहले इस ग्राफ को आप आराम से देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। उन सारी कंडीशन से नहीं भी आया तो मैं सारी कंडीशन को एक और वापस लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने ब्लू लाइन से बनाया है, ब्लू लाइन से, ये वाला, ये ब्लू लाइन वाला पूरा, ये बड़ा यहां तक, फिर ये किसके कारण है, विवर्तन के कारण है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये विवर्तन है और यहां पर आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट विवर्तन निम्निष्ठ। मैं एक चीज लिख दूंगा डायग्राम, आप चिंता मत कीजिए। और आपने एक चीज यहां फाइंड कर ली है, मैं इसको वापस लिख देता हूं। आपने कंडीशन फाइंड की थी फर्स्ट विवर्तन निम्निष्ठ, वो आपने कहां से फाइंड की थी, वो निकाली थी डी साइन थीटा एम इजिकल टू 0 इजिकल टू लैम्बडा। तो यहां से साइन थीटा m इजिकल टू 1 इजिकल टू लैम्बडा अपॉन डी, ये कंडीशन आपने निकाली थी फर्स्ट विवर्तन निम्निष्ठ। उसी प्रकार से फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा ड्यू टू इंटरफेरेंस, ठीक है ना, उसकी कंडीशन आपने क्या निकाली थी, e प्लस डी साइन थीटा n इजिकल टू 1 इजिकल टू लैम्बडा। तो यहां से साइन थीटा एन इजिकल टू 1 लैम्बडा अपॉन ई प्लस डी, ठीक है। और इन दोनों से आपने निष्कर्ष निकाला था, क्या निकाला था, वो निकाला था, उसको मैं यहां लिख देता हूं, यहां निकाला था साइन थीटा एन इजिकल टू 1 एम इजिकल टू 1 ये ग्रेटर देन है। यानी जहां आपको पहला विवर्तन निम्निष्ठ मिलेगा उस थीटा का मान, जहां पर आपको पहला व्यतिकरण, मुख्य व्यतिकरण उच्चिष्ट मिलेगा, उससे ज्यादा है। यानी जहां पहला विवर्तन निम्निष्ठ है उससे पूर्व ही आपको क्या मिल जाएगा, पहला व्यतिकरण मुख्य उच्चिष्ट मिल जाएगा। तो ये देखिए, यहां पहला है तो इससे पूर्व ही, अब इसको मैं और नोमेनक्लेचर कर देता हूं, ये आपका है सेंट्रल प्रिंसिपल मैक्सिमा, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप डिटेल में कर लीजिएगा। ये आपका है फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये आपका है सेकेंड प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये आपका है थर्ड प्रिंसिपल मैक्सिमा। तो पहले विवर्तन निम्निष्ठ से पूर्व क्या है, आपको कई सारे व्यतिकरण मुख्य उच्चिष्ट मिलेंगे, एक दो तीन, तो मैंने तीन बनाए, 30 50 60 कुछ भी हो सकते हैं। कब तक हो सकते हैं, जब तक कि वो कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर नहीं आ जाए। यहां पर भी कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर होगी, देख लीजिए आप कि यहां पर आपको व्यतिकरण मुख्य उच्चिष्ट, याद रखिए यहां पर क्या है, व्यतिकरण मुख्य उच्चिष्ट, यहां पर आपको व्यतिकरण मुख्य उच्चिष्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यह स्थान विवर्तन निम्निष्ठ के लिए
आपकी क्या है, रिजर्व है। तो यहां पर भी कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर में क्या होगा कि एक ऐसा मान होगा जहां पर विवर्तन निमिष मिलेंगे, वहां पर आपको व्यतिकरण मुख्य उच्चिष्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। अभी उसको भी देखेंगे हम। तो ये डायग्राम आपको समझ में आ गया कि पहले विवर्तन निमिष से पूर्व कई सारे व्यतिकरण मुख्य उच्चिष्ट मिलेंगे जो हमने बना दिए। फिर आपको यह भी पता है कि एक प्रिंसिपल मैक्सिमा और दूसरे प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच में भी आपको क्या है एन माइनस वन, तो क्या मिलता है निम्निष्ट, ये आप निकाल चुके हो, और एन माइनस टू क्या मिलते हैं अन्युचिष्ट, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लीजिएगा इसके बीच में, ठीक है ना। डायग्राम थोड़ा सा लगे, आप आराम से साफ बना लीजिए। एक सेंट्रल यानी दो प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच, सेंट्रल या फर्स्ट ले लीजिए, फर्स्ट या सेकंड ले लीजिए, सेकंड या थर्ड ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, दो क्रमागत प्रिंसिपल मैक्सिमा के बीच एन माइनस वन व्यतिकरण निम्निष्ट तथा n माइनस टू अन्य व्यतिकरण उच्चिष्ट मिलते हैं। इन सब चीज को आप नोट कर लीजिएगा। तो फिर बस बाकी तो आगे चलता रहेगा ये पूरा। फिर इस ये जो विवर्तन का ये स्लॉट है, इसमें भी इस प्रकार का होगा, इसमें भी इस प्रकार का होगा। तो ये पूरा आपका क्या है n स्लिट डिफ्रेक्शन के कारण विवर्तन प्रतिरूप आपको इस प्रकार का मिलता है। तो आप इसमें दो तीन लाइन क्या नोट करोगे उसको मैं बोल देता हूं, आप आराम से नोट कर लीजिए। पहली बात तो आप क्या लिखोगे कि इस व्यतिकरण प्रतिरूप में प्रथम निम्निष्ट से पूर्व कई सारे व्यतिकरण मुख्य उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं, जो आपको इस डायग्राम से पता चल गया इस कंडीशन से। दूसरा आप क्या नोट करोगे कि इतना ही नहीं, दो क्रमागत व्यतिकरण मुख्य उच्चिष्टों के बीच n माइनस वन व्यतिकरण निम्निष्ट तथा n माइनस टू व्यतिकरण उच्चिष्ट प्राप्त होते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज थी, उस चीज से आपने सारा ग्राफ एक्सप्लेन कर दिया। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम आगे देखेंगे। हालांकि इसमें एक कंडीशन ऑफ मिसिंग ऑर्डर है, उसके लिए एक डिफरेंट लेक्चर बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूं, काफी बड़ा हो गया, और आप इसको ध्यान से आराम से सुनिएगा, समझिएगा, एक एक चीज को नोट कीजिएगा। थैंक यू।